आज हम उबले हुए आलू से बनाएंगे बहुत ही टेस्टी नाश्ता। हम 5 उबले हुए आलू लिए हैं, छोटे छोटे हैं इसलिए 5 लिए हैं, अगर बड़े साइज के होंगे तो 2 ले सकते हैं। अब हम इन आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। सारे आलू को कद्दूकस कर लिए हैं, अब हम इसको इसमें डाल देते हैं। और इसमें हम कुछ सब्जियां मिक्स करते हैं। शिमला मिर्च, 1/2 शिमला मिर्च है बारीक कटा हुआ, इसको डाल देंगे। थोड़े से पत्ता गोभी है, इसको भी बारीक काट लिए हैं, इसको भी डाल देंगे इसमें। और प्याज है, 1 बड़े साइज का प्याज बारीक काट लिए हैं, इसको डाल देते हैं। और हरी मिर्च बारीक काट लिए हैं, इसको भी डाल देते हैं। जीरा है 1/2 चम्मच, इसको डाल देते हैं। अजवाइन है 1/4 चम्मच, इसको क्रश करके डाल देंगे। चाट मसाला 1/2 चम्मच, इसको डाल देंगे इसमें। और थोड़ा सा गरम मसाला 1/2 चम्मच, इसको भी डाल देंगे इसमें। और नमक स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और बाइंडिंग के लिए 4 चम्मच चावल का आटा डाल देंगे। और 2 चम्मच तेल डाल देंगे। और इसको सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको डो की तरह तैयार कर लेंगे। अगर थोड़ा सा गीला लग रहा है तो 1 चम्मच चावल का आटा और डाल देंगे। सबको मिक्स कर दिए हैं, अब हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। अभी हम एक घोल तैयार करेंगे, जिसके लिए हम पानी लिए हैं 1/2 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा। इसमें हम नमक डाल देंगे 1/2 चम्मच, और इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच। और थोड़ा सा 2 चुटकी गरम मसाला है, इसको डाल देंगे। और 1 चम्मच मैदा है, इसको डालकर घोल तैयार कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है सबको। ये घोल तैयार हो गया है, इसको हम अभी रख देते हैं। अभी हम 4-5 ब्रेड लिए हैं, इसका ब्रेड क्रम्ब बना लेते हैं।
इसका ब्रेड क्रम्ब बना लेते हैं। ब्रेड क्रम्ब बना लिए हैं, अभी इसको 5 मिनट हो गया है, इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे। और इसमें मिक्स कर देंगे। इसमें भी हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे और इसको रख देंगे। अभी हम हाथ में तेल लगा लेंगे और इसको इसका बड़ा बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से बनाएंगे और इसके बीच में एक होल करेंगे इस तरह से। इस तरह से सबको बना लेते हैं। इस तरह से सबको बना लिए हैं। अब हम इसको इस होल में डिप करेंगे और इसमें ब्रेड क्रम लगा देंगे। इस तरह से इसको डिप करके इसमें ब्रेड क्रम लगा देंगे। और ब्रेड क्रम को इस तरह से अच्छे से चिपका देना है। ताकि तेल में ज़्यादा ये बाहर ना निकले। इस तरह से सबको बनाते जाएंगे। सबको बना लेते हैं। अभी हम एक कढ़ाई में तेल को गर्म किए हैं, इसमें हम इसको फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर ही बनाना है इसको। इसको पकने देते हैं 1 मिनट तक। अब हम इसको पलट देते हैं। 1 मिनट हो गया है। ये बन गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए इसका कलर कितना अच्छा निकल कर आया है। अब हम इसी तरह से सबको बना लेते हैं। ये नाश्ता हमारा बहुत टेस्टी बना है। इसको इमली की चटनी के साथ खाइए, ये और भी टेस्टी लगेगा। बहुत
स्वादिष्ट बनता है, बाहर से कुरकुरे अंदर से सॉफ्ट। देखिए ये बहुत टेस्टी बना है ये नाश्ता। अगर आपको इमली का चटनी का रेसिपी चाहिए तो हमारे चैनल पर जाकर देखिए, ये चटनी का रेसिपी डाला हुआ है। तो अगर हमारा रेसिपी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये बहुत टेस्टी बनता है ये नाश्ता।